डीमास सीजन 3 एपिसोड 1 मिच्छुरी, एपिसोड 2 थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, एपिसोड 3 डिजास्टर। होमीज वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स योर चैट व्यूक। और आज हम बात करने वाले हैं डीमास सीजन 3 के एपिसोड 3 के बारे में, जो कल संडे को रात के टाइम आया था और जिसको देखने के बाद मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि मैं ऐसे क्या बोलूं इसको। अगर तुम लोगों ने एपिसोड अब तक नहीं देखा जाके देख लो एक बार, पर जाने से पहले छोटा सा स्पॉइलर सुनो। एपिसोड 3 के फर्स्ट हाफ के अंदर एनिमेटर ने ये काम करा है, लंच टाइम हो गया, और सेकंड हाफ में एक काम करते हैं, दोनों अपर मुंह को साथ ले आते हैं, एक काम और करते हैं वो अटैक भी कर देगा, एक काम और करते हैं उसको गला कटने पे मरेगा भी नहीं, एक काम और करते हैं मिश्राशी को उड़ा देते हैं, एक काम और करते हैं तांजुल को उड़ा देते हैं, एक काम और करते हैं गोला को। मेरा ना पीछे ऑफिस का काम खुला पड़ा है, वो रहा मैं पहला हाफ देख रहा हूँ वो छोड़ के, अरे क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। और सेकेंड हाफ जब शुरू हुआ ना, मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, मैं रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा कि मैं सेकंड हाफ में क्या रिएक्शन देने वाला हूँ, लेजिट लाइव रिएक्शन, वो तुम देखना आगे। आई एम डेड श्योर सेकंड हाफ के अंदर ना जो एनिमेटर्स हैं उनको याद आ गया होगा कि वो डीमास एयर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने एनिमेशन तो बढ़ा दी, साथ में फाइट एकदम से इंटेंस अभी चल रही थी, ऐसे एकदम से ऐसे हो गई। लास्ट एपिसोड के एंड पार्ट के अंदर तांजिरो ने जुरीजी पार्ट 0 का जो मैकेनिकल डॉल है उसका सर तोड़ दिया था, जिससे एक स्वॉर्ड बाहर आई थी, तो कोतेचु खुद कह रहा था 300 साल पुरानी है और सबको लगा ये हमारे जुरीजी की स्वॉर्ड है। नाउ द थिंग इज आई एम नॉट श्योर किसकी स्वॉर्ड है, बट जब इस एपिसोड में तांजिरो ने निकाली खोला उसको, वो रस्टी थी, मतलब वो सारी खराब हो रखी थी, जंग लगा हुआ था उसके ऊपर। और तभी पेड़ों के बीच में से एक इंसान आता है, पूरा चैड भाई, डोले शोले, खतरनाक बॉडी। और ये कौन है? ये है तांजिरो का स्वॉर्डस्मिथ। इसको तुम सीजन 1 के अंदर देखो और अब देखो, ये कर रहा है प्रॉपर वर्कआउट, रिकवरी भी कर रहा है, ये मिलियन चासी ले रहा है और ये वर्कआउट बहुत ही तेज कर रहा है, रिजल्ट देख रहे हो तुम, क्या चैड बन चुका है वो। जब मैंने इसको देखा ना, लाइक स्टेरॉइड यूज करे से तो भाई कतई चैड बन चुका है वो। थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि एक्चुअली तांजिरो का स्वॉर्डस्मिथ है और एक काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था तांजिरो के लिए ही, क्योंकि तांजिरो इतनी इंटेंस बैटल करता है डीमंस के साथ और मोस्टली अपनी नेचरिन स्वॉर्ड जो है वो तोड़ देता है। तो ये ट्रेनिंग कर रहा था खुद से, मतलब ये स्वॉर्ड्स में ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो तांजिरो के लिए एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड बना पाए। ये तांजिरो से वो रस्टी स्वॉर्ड ले जाता है और तांजिरो को उस टाइम के लिए एक टेम्परेरी स्वॉर्ड दे देता है, जो काइंड ऑफ तांजिरो की ओल्ड स्वॉर्ड जैसी ही है। इस सीन के बाद बहुत नॉर्मल इंटरेक्शन है गाने और तांजिरो की, तांजिरो भी लाइक तुम्हारा दोस्त है, गाने लाइक। उसके बाद थोड़े छोटे मोटे प्यारे सीन तांजिरो नजुओ के, तांजिरो नजुआ सो जाता है। आई हैव नो क्लू तांजिरो और नजुओ क्या सीन चल रहा है भाई, वो लोग एपिसोड 1 के अंदर दोनों साथ में नहा रहे थे, मुझे नहीं पता मैं क्या कुछ पता नहीं भाई। अगले सीन के अंदर जेनित्सु आगे बोलेगा मुबारक हो शादी तुम्हारी, ये था कुछ छोटे मोटे सीन फर्स्ट हाफ के अंदर। फिर शुरू होता है सेकेंड हाफ जिसमें एनिमेटर की आत्मा जाग गई, दे लाइक ओ साला अब करना काम। पहले हमने देखा हमारा मटके वाला डीमन ने कैसे एक स्वॉर्ड्स में तो मार डाला भाई, ये बहुत ब्रूटल वे है किसी को मारने का, उसको मटके अंदर खींच लिया और उसे फेंक का, जब हाथ पैर कटे हुए कैसा, मतलब भाई ये बहुत गलत तरीके से मारता है। अपर मून फॉर अ रीजन। और उस सीन के जस्ट बाद हम देखते हैं हमारा अपर मून 4 एग्जैक्टली कोई स्वॉर्ड्स में जो उनका घर वगैरह था उसके एग्जैक्टली ऊपर है। ये देखे मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ, तांजिरो उसके पास इतनी अच्छी खासी पावर है कि वो अपनी नोज को यूज करे, मतलब स्मेल बहुत दूर तक ले सकता है, तो उसको तो पता क्यों नहीं चला कि यहाँ पे दो अपर मून डीमन है। तांजिरो को भी साइड कर दो, यहाँ पे नेजुको भी है जो खुद डीमन है, उसे पता नहीं लगा, गैन है उसे पता नहीं लगा, इनको भी गोली मारो, यहाँ पे दो हाशिरा है, इनको पता क्यों नहीं पता लगा यहाँ पे डीमन है, या तो डीमन के बाद कोई नई पावर है कि अपने प्लान हाइड कर सकते हैं। इसके बाद मोइचिरो नेजुको और तांजिरो का बड़ा क्यूट सा मूवमेंट आता है, बड़ी अच्छी फोटो है तुम देखो, वो कितना प्यारा मोमेंट है। पर इसके बाद इन दोनों को महसूस होता है कि हमारे दरवाजे के पीछे कोई है, और कौन आता है, सीधा एंट्री लेता है अपर मून 4। इनको रियलाइज अब जाके हुआ है, देखो तांजिरो इमोशंस दिखाता है इसलिए वो कंफ्यूज है कि डीमन है अपर मून 4 है, रोक हो रहा है। एंड उसी साइड मिस्ट हाशिरा हमारा मोइचिरो इज लाइक मेरी तलवार का है कहां गए वो। मोइचिरो सीधा मिस्ट ब्रीदिंग 4th फॉर्म और हल्का सा कट मार पाता है इसको। ये कैसा डीमन है तो रो रहा है भाई ये कैसा डीमन है तो रोने लग जाता है भाई यार ये डीमन पूरा कार्टून है, एक तरह सर पे इतना बड़ा कूलर टाइप है, ऊपर से रोने लग जाता है। तांजिरो वहीं पे फ्लेम ब्रीदिंग यूज करता है और नेजुको अपनी डीमन फॉर्म में आके उसे किक करती है और लकीली मोइचिरो से सर काट देता है। पर तांजिरो रिलाइज कर लेता है कि अपर मून है, सर कटने पे भी नहीं मरते, तो वो वेट करता है क्या होने वाला है, और जो होता है वो देख के मैं भी शौक में आता हूँ कि हाँ उसके एक हेड से बॉडी आ रही है और एक बॉडी से हेड। आई थॉट सिम ग्योतारो डाकी वाला सीन होने वाला है, पर वहां पे होता है एडिशन, यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लीकेशन। तो पूछते हो ना कि मैच कहाँ पे काम आते हैं, यहाँ पे काम आती है,
इसलिए पढ़ो ताकि तुम एनिमे समझ पाओ। जो सिर कटा उससे एक अलग बॉडी आ गई, जो खाली बॉडी बची थी उससे सिर उग गया। बट स्टिल हमारे पास यहाँ दो डेमन स्लेयर्स हैं, एक मोइचिरो एक तांजिरो, दोनों जाते हैं अटैक करने एक हेड के ऊपर। और जो यहाँ पे सीन आता है वो देखे मैं समझ गया कि अपर मून 4 इज नो जोक एट ऑल। ब्रो वो मिस हाशिरा कहाँ गया? वो मोइचिरो बस ऐसे करता है और मोइचिरो डिसअपीयर। अबे उसने ऐसा करा बस पत्ते से अपने, ये कौन सा ये वो वुड शेल यूज हो रहा है यहाँ पे? आई हैव नो क्लू इन्होंने मोइचिरो कौन सा एनिमे के अंदर भेज दिया है। वो तो नेजुको ने बचा लिया तांजिरो को, वरना यही पहुंचता किसी और एनिमे के अंदर। और जो अपर मून 4 से दो नए नए बने हैं, सबका अलग नाम भी है, साथ में अलग पर्सनैलिटी भी है। एक बहुत मजाक में ले रहा है, मतलब वो मजे कर रहा है फाइट को, और एक बहुत सीरियस है जिसमें डंडा टाइप है कुछ। मेरे को पता नहीं था कि डीमंस भी थंडर ब्रीदिंग यूज कर सकते हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट एट ऑल कि ये डंडे वाला थंडर ब्रीदिंग यूज करने वाला है। पर तभी टाइम पे हमारा दबंग बॉय गैन आ जाता है और वो एक का मुंडी तो उड़ाता है गोली से और एक का काट देता है। पर पतंजलि समझ आता है कि ये जितना काटोगे उतना ग्रो करता रहेगा, और वो चाहता है, वो डीमन चाहता है कि ये उन्हें गला काटे। और जो लग रहा था वही हो जाता है, गैन्या खड़ा है, उसके साथ में तीन अपर मून 4 खड़े हैं जो एक बॉडी से निकले हैं। भाई गैन्या गैंग बैंग होने वाला है। बिल्कुल सही, दो बॉडी में से दो हेड उड़े हैं तो टोटल चार होने चाहिए, पर गैना के आसपास तीन खड़े हुए हैं, एक कहां पे गया? इससे पहले तांजिरो रियलाइज करे वो हवा में होता है, इनके पास एक डीमन है जो उड़ भी सकता है। अबे क्या है, इनके पास एक डीमन जो उड़। मिस हाचिरा को इन्होंने किसी और एनिमे के अंदर भेज दिया, तांजिरो को उड़ा दिया, नेजो को बची रह गई, गैन्या पिटने वाला है। डीमन सीजन 3 सीजन 1 के अंदर एक लोअर मून, मुगन ट्रेन के अंदर एक अपर मून, सीजन 2 के अंदर अपर मून 1 जो कि 2 बन जाते हैं। इसके अंदर का साले मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो तुम? तांजिरो बोलता है कि मेरी चिंता मत कर, जाके गैन्या को बचा। और जब वो गैन्या को देखता है उसका गैंग बैंग हो चुका है। ओए ओए तो ओरोचिमारु है, ओए ओरोचिमारु इधर भी आ गया रहा, बहुत सही। एक अपर मून जो आई एम 1000% श्योर ओरोचिमारु से देख के बनाया गया, क्योंकि इसके पीछे सेम ओरोचिमारु वाला वो है, सास के ओरोचिमारु पहनते थे। और मुझे नहीं पता था कि जो तांजिरो ऊपर लेके जा रहे हैं ये डीमन ये पोकेमोन है। This is not a demon. यह पोकेमोन। डीमन से सीजन 3 एपिसोड 1 मिचुरी, एपिसोड 2 थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, एपिसोड 3 डिजास्टर। ये पेसिंग ना एकदम से ऐसे चल रही थी, ऐसे हो गई एकदम से। तांजिरो ऊपर से नीचे गिरता है, सोचता है कि विलेज खतरे में, मुझे कुछ करना पड़ेगा, और पीछे देखता है वो पोकेमोन फिर से अपनी कुछ प्रिपेयर कर रहा है अटैक। लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने बात कर दी कैसे मोइचिरो एक हाशिरा का रोल डिजर्व नहीं करता है, और इस एपिसोड के अंदर वो प्रूफ करे जा रहा है। और एक हाशिरा काम है इंसान को बचाना, पर मोइचिरो के सामने यहाँ पे एक बच्चा है जो डीमन से लड़ रहा है, और ये वही बच्चा तांजिरो के साथ था कोतेत्सु। मोइचिरो ने इसे इग्नोर कर दिया, ही इज लाइक माय प्रायोरिटी इज नॉट टू सेव दिस चाइल्ड, माय प्रायोरिटी राइट नाउ इज टू डिस्ट्रॉय द अपर मून एंड प्रोटेक्ट द विलेज। ब्रो तो बच्चों को नहीं बचाने कैसा है, किसने हासिल, मैं मारूंगा तेरे। ये बात ठीक है कि हर हाशिरा के अंदर एक अलग पर्सनैलिटी होती है, बट ये मुझे बहुत घटिया हाशिरा लग रहा है अब तक। जैसे ही मोइचिरो से निकलने वाला था इसे तांजिरो की लाइन्स हिट होती है। तांजिरो ने बोला होता है कि सबकी हेल्प करनी चाहिए, वो हेल्प वापस हमको ही मिलेगी। तुम लोग देख रहे हो नारुतो का टोनो जुत्सु यहाँ भी यूज हो रहा है, और उसी टाइम मोइचिरो बच्चे को बचाने आ जाता है। Yeah boy, Mr. Hashira is here. अरे आई थोड़ी सी जान नहीं बचाने वाला, बट थम्स अप। मोइचिरो रिस्पेक्ट थोड़ी बड़ी है, ज्यादा नहीं थोड़ी बड़ी है। ये एपिसोड मुझे काफी सही लगा, शुरू में काफी स्लो स्लो दिखाई गई, चैट आ गया एकदम से, एक बहुत बॉडी बिल्डर सा स्वॉर्ड स्मिथ, और उसके बाद जो एक्शन आया भाई, तांजिरो तो पता नहीं इनका क्या हाल होने वाले हैं सबका इस बार। सो मैं ये वीडियो देते हैं, वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और हाँ, मैंने व्लॉग डाल दिया फाइनली माकोटो शिनकाई के साथ जो मैं गया था मुंबई के अंदर, पूरा कंप्लीट व्लॉग तुम्हें यहाँ कहीं देखने को मिल जाएगा। बाय बाय।